सब बस इधर सर बोलिए जल्दी बोलिए। तीन दिनों से रोज मंत्री आ रहे हैं, तीन दिनों से लगातार बीजेपी के मिनिस्टर्स है, सीनियर लीडर्स है, राहुल गांधी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और माफी मांगने को कह रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए ये उनकी साजिश है, पार्लियामेंट चलने नहीं देना। अब दूसरी तरफ जो हमारी जेपीसी की मांग है उसको नजरअंदाज करने के लिए कोशिश हो रही है, और तीसरा उनका काम ये है कि किसी न किसी ढंग से जो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और जो चाइनीज बॉर्डर पे आज इंक्रोचमेंट हो रहा, ये सारी चीजों को एक तरफ रखने के लिए और लोगों को ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी जी का एक डेमोक्रेटिक स्पीच के बारे में ही बात करना। अरे ये तो खुद मोदी जी जब जब बाहर गए, चाइना गए, इन्होंने देश के खिलाफ बात किया, यहाँ के लोगों का इंसल्ट किया, फिर उसके बाद साउथ कोरिया गए, इन्होंने यहाँ के जनता का इंसल्ट किया, जब यूएई में गए जहाँ के जनता का इंसल्ट उन्होंने किया, यहाँ तक नहीं कनाडा में गए, वहाँ भी उन्होंने हमारे देश के लोगों के खिलाफ बोला। और ये कौन सा पाप हम किए हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, ऐसी बात बोलने वाले देशभक्त होते हैं? डेमोक्रेसी के बारे में ये तो डिबेट डिस्कशन में आई हुई चीज़ रहती है। उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ, इस देश में अनटचेबिलिटी है नहीं है, है ना? जब इसके बारे में कोई बाहर गया तो ये बोलेगा यहाँ एसटी हमारे देश में इतने आरएसएस के लोग होते हुए, इतने धर्म की बात करने वाले होते हुए भी वहाँ पर अभी अस्पृश्यता है, लोगों को अभी मानवीय दृष्टि से देखा नहीं जाता, ये कहेंगे या नहीं कहेंगे? वैसा ही डेमोक्रेसी जो कुचल रहे, कल आप देखे होंगे, कल ने तो हम पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे लेकिन किसने रोका? वो भी महिला कांस्टेबल्स को हमारे सामने रख के उन्होंने हमारे को रोकने की कोशिश की। और ये जो है अदानी का इशू ये बंद करने के लिए या उस पर चर्चा नहीं होना और उनके फेल्यूअर्स जो है पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होना, ये उनका मंशा है। कभी सुने आप, रोज उठ के रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं, अभी अपोजिशन के उठते नहीं बोलने के लिए, लेकिन सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो माफी मांगो, ये क्या है? क्या इंस्टिगेट, खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी बात सुना दिए, माफी मांगने का सवाल ही नहीं। चलो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।